శ్రీ గురవే నమః. గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయస్తదాలయ కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ 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 బల హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ 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 హరి హరి. హరి బోల్ హరి కృష్ణ. ఈ మధ్య రికార్డింగ్ కర్చనా বলে দিলে দেখতে পারে বলে দরকার. আজ বহুত আচ্ছা অতিথি কে আজ দো দো মহাপুরুষো কা আজ तिरुभाव तिथि है. कल एक है हरे कृष्णा दीदी, उसको अंदर में आ जाओ. उसको उसको गरीब लगता है, उधर से आवाज आती है ना. सुना सुना इधर ओ ए सुना सुना इधर इस तरफ जो बाहर माइक लगा हुआ ना इस तरफ का अंदर में ना उसका इतना आवाज आती है. हरे कृष्ण कहते आज दो दो महापुरुषों का तिरुभाव तिथि है. एक है नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज. नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज. कदि ये दो दो महापुरुषों का आज तिरुभाव है. कदि ये कौन सा महीना में गए हैं, बोले श्री कार्तिक महीना में गए हैं. इसलिए इससे पता चलता है उन लोग जितने बड़े महापुरुष कौन कर बोल जो माला नहीं गया सब पंडित है गले. हाँ अन्य दिन करेगा बस अत सब कथा को नोट करा क्या क्या कथा सुना है. एक टाइम में कथा सुना है, तो तुम लोग कथा सुना है. ठीक है तुम नोट कर कभी कहा था. हरे कृष्णा कहते आज कहते दो दो महापुरुषों का आज तिरुभाव तिथि है. कहते श्री कार्तिक महीना में जन्म लेना और कार्तिक महीना में शरीर त्याग देना ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है, जो कि ये लोग बहुत बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे. क्योंकि इसी महीना में प्राय करके इसी महीना में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म तिथि भी है और उनका तिरुभाव तिथि भी है इसी महीना में. जैसे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज इसी महीना में, और मेरे गुरुपाद पद्म कहते इसी महीना में है. भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते इसी महीना में. भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते इसी महीना में. भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज इसी महीना में. गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते इसी महीना में है. और भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज इसी महीना में इनका आविर्भाव और तिरुभाव इसी महीना में. इससे पता चलता है ये लोग बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे. इसलिए आज दो दो महापुरुषों का जन्म तिथि तिरुभाव तिथि है. इसलिए आप लोग श्रवण कर रहे थे
भक्ति वेदांत श्रीला बामन गोस्वामी महाराज की कथा सुन रहे थे। कहते जो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये बामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और उठल भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, कहते ये तीनों को, ये जो गौड़ीय वेदांत जो समिति है, इनको तीन पिलर मानी जाती थी। ये तीनों व्यक्ति मिल करके बड़ी दिन तक सुष्ट रूप में ये समिति को उन लोगों ने अच्छे तरह से चलाया है। इसलिए ये तीनों को कहते ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों उपाधि दी गई। बोले ब्रह्मा कौन है? कहते भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज, क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। इसलिए पहले वो अकेले दीक्षा मंत्र देते थे, इसलिए उनको ब्रह्मा की उपाधि दी गई। बोले विष्णु की उपाधि किसको दी गई? कहते श्री हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इसलिए इनका नाम भी नारायण है, विष्णु नारायण नाम है। इसलिए क्योंकि जितने बच्चे आते थे, इस सब बच्चों को लेकर के सबको शिक्षा करवाया करते थे, मथुरा में ले आते थे उनको सारे भक्ति, हाँ, कुपर में उनको शिक्षा देते थे भजन करने का विधि, और स्वयं भजन परायण थे और सबको भजन में लगाया करते थे। इसलिए इनको बताया जाता था ये विष्णु, ये विष्णु जैसे पालना करते हैं, ये भी ठीक ऐसे ही ये भी बच्चों को भक्ति को तरह ये भी पालन करते थे, इसलिए उनको विष्णु तत्व कहा जाता था, हाँ? इसलिए इनका नाम नारायण, इसका मतलब क्या? बोले नर मतलब जितने इंसान हैं, बोले आयन मतलब ये सबको जो आश्रय देने वाले। सचमुच से हमारे जो महाराज थे वो ये विचार नहीं करते थे वो इसका शिष्य, वो इसका शिष्य, वो इसका शिष्य, वो ये चीज को नहीं देखते थे। वो देखते थे हमारे महाप्रभु को लाइन प्रभुपाद की धारा में है कि नहीं, हैं? इसलिए सबको वो आश्रय दे करके सबको उन्होंने भक्ति की उन्होंने शिक्षा प्रदान की, सबको उन्होंने भक्ति की शिक्षा दी, और सबको भक्ति की शिक्षा दे करके ऐसे ट्रेंड उन्होंने बनाया। इसलिए जैसे श्री जीव गोस्वामी, नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास, जैसे ये तीनों व्यक्तियों को उन्होंने एकदम ट्रेंड करके चारी तरफ में उनको प्रचार करने के लिए चारी तरफ में भेजा है, हैं? कहते हमारे महाराज भी, इन्होंने भी सबको ट्रेंड करके पूरा संपूर्ण विश्व में महाप्रभु को जो धारा को संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का धारा को महाराज ने प्रचार किया है, हैं? जैसे देखो यहाँ पर जो शिष्य लोग देख रहे हो, जैसे जीव गोस्वामी, नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, इनका कोई शिष्य नहीं थे, केवल उनको शिक्षा शिष्य थे। यहाँ पर देखो भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज का शिष्य है, जैसे मैं अपना गुरुजी को पास से आया, कोई गौर गोविंद महाराज का आश्रित है कोई थे, कोई भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का आश्रित थे, ये सबके सब अलग अलग जगह से आए, लेकिन महाराज ने सबको उन्होंने भक्ति की शिक्षा दी, और दुनिया में इनकी ही शिक्षा शिष्यों ने संपूर्ण दुनिया में ये महाप्रभु का जो धारा है, इन्होंने संपूर्ण दुनिया में महाप्रभु का धारा को उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। महाराज जी बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, हैं? इसलिए हमारे महाराज को बोलते थे ये नारायण रूप में, जैसे नारायण जगत को पालन करते हैं, ये भी भक्ति को द्वारा ये भी सबको पालन करते थे, भक्ति को द्वारा सबको ये पालन करते थे। कहते श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इनको उदाहरण देते थे ये शंकर जी के, ये शंकर जी का बता रहे हैं। कहते ये शंकर जी का काम क्या है? बोले संहार करना, संहार करना शंकर जी का काम है, ये भी उन्होंने संहार करते थे, हाँ? कैसे? कहते इनकी जो हरिकथा होती थी बड़ी स्ट्रांग हरिकथा थी, इन्होंने ये भोग बात को उन्होंने खंडन करते थे, हैं? भोग बात को खंडन करते थे, अक्सर करके 8-10 श्लोक ही है जिसको हर समय बोला करते थे, हैं? जैसे आहार निद्रा भय मैथुन च सामान मेतत पशु ही नरानाम,
मतलब आहार खाना, निद्रा सोना, भय डर मैथुन, बच्चों को जन्म देना। कभी ये जानवरों का काम है, ये जानवर का काम है। और एक श्लोक कहते थे, इज्जत इज्जत मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुझा कंड रेव कर रेव दुखान। इसका मतलब है कि संसार का सुख कैसे है। वो उदाहरण देते थे जैसे खुजली होता है ना, थोड़ी समय के लिए खुजलाने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब खून निकलता है फिर तो बड़ा दुख होता है। कहते जो संसार का जो सुख ठीक वैसे ही है, पहले तो बड़ा अच्छी लगती है, लेकिन तब तो दो चार बच्चे हो जाते हैं, फिर जिंदगी भर पालन करने में पूरा जीवन उसमें बीत जाता है, और मरने का पहले तक भी वो दुख नहीं छोड़ता है। इसलिए वो अक्सर करके जो भोग बात है, ये भोग बात को खंडन करते थे और शुद्ध भक्ति की है, शुद्ध भक्ति की बात करते थे, शुद्ध भक्ति की विचार बोलते थे। इसलिए इनको शंकर स्वरूप माना जाता था, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को। कहते जो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये बहुत बड़े धनी घर से आए। साधारण लोग का जो धारणा है हमारे भारत में, कहते साधु कौन बनता है, कहते वही लोग साधु बनते हैं जिसको कमाने का कोई उपाय है नहीं, घर में पैसा ठीक से कमा नहीं सकते हैं, घर में अभाव हो, घर बार छोड़ करके साधु बन जाते हैं और किसी तरह से भीख मांग कर खाते हैं। साधारण लोगों का ये धारणा है, लेकिन हमारे श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज हैं, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते ये बहुत बड़े परिवार से आए, बड़े धनाढ्य घर के आए हैं। उनको शादी भी हुई थी, लेकिन उन्होंने जब हरिकथा सुने और ये मानव जन्म का सार्थकता को उन्होंने सुने, त्रिविक्रम महाराज कहते थे पहले ये साधुओं को ना, जो तिलक लगाने वाले, कंठी पहनने वाले, हाँ चोटी रखने वाले, पहले तो मैं इनको खिली उड़ाया करता था। कहते इनको मैं देखा तो इनको पीछे बढ़ जा रहा था, इसे कंठी तिलक, लेकिन बाद में वही बीमारी मेरे को लग गई। कहते बाद में मेरे को वही बीमारी, उल्टा बीमारी लग गई, पहले मैं खिली उड़ाता था। लेकिन वो कहते थे जब उन्होंने मानव जीवन का रहस्य को समझा, भगवान ये मानव शरीर हमें क्यों दिए है, और ये जीवन पा करके हमारा कर्तव्य किया, जब मैंने ये चीज को हमने समझा, फिर हमने शादी किए थे। आपको पता होगा भारत में शादी को बाद में घर छोड़ना कोई साधारण बात नहीं, घर छोड़ना कोई साधारण बात नहीं शादी करने करके है, लेकिन वो बहुत बड़े परिवार के। कहते मैंने जब घर छोड़ करके मैंने आया भजन करने के लिए है, इतने में उनकी पत्नी, आपको पता होगा घर में शादी होकर पत्नी पीछा नहीं छोड़ती है, पहले शादी किया तो शादी फिर क्यों किया है, फिर अब शादी क्यों कर रहे थे पत्नी को छोड़ना हो तो। फिर उन्होंने फिर त्रिविक्रम महाराज को पीछे पड़ गए आ करके बोले, अगर आप घर में वापस नहीं आओगे फिर तो मैं अपना शरीर में मिट्टी का तेल डाल करके ना शरीर में आग लगा दूंगी। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोले, अगर तुम अगर शरीर में मिट्टी का तेल डाल दोगे ना, मैं तुम्हें आग लगाने का जरूरत नहीं, मैं स्वयं आग लगा दूंगी मैं स्वयं आग लगा दूंगी। और उनका जो चेहरा है ना, आप देखो जैसे विवेकानंद से पगड़ी बांधते हैं ना, और इनको इनका जो चेहरा जवानी का चेहरा आप देखोगे तो जैसे जैसे विवेकानंद जैसे लंबे चौड़े देखने में सुंदर, एकदम बड़े सुंदर उनका चेहरा था, है बढ़िया देखने में, बड़े सुंदर देखने में त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज थे। उन्होंने आकर के उन्होंने कहते हैं महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहा देखी तुष्ट हन गौर नारायण। कहते महाप्रभु का जितने भक्त हैं उसमें मूल क्या वैराग्य, मतलब महाप्रभु के जितने भक्त लोग हैं ना, बड़े दीनहीन रूप में रहते हैं, एकदम सीधा साधा कपड़ा पहनना, सीधा साधा खाना, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, इतने बड़े घर के हो करके कैसे भोजन करके कैसे भजन करते थे, एक एक पेड़ को नीचे एक एक दिन, कभी चाना कभी वो भी नहीं और कभी वो भी मना है, और कपड़ा यहाँ तक पहनना, पेड़ को नीचे में रहना, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जैसे भजन करते हैं इनका जीवन भी वैसे।
कभी बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनेंगे। कपड़ा अगर फट जाएगा ना, उसको स्वयं अपना हाथ में सिलाई करना कर देंगे। सिलाई करके कहाँ तक, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते ना यहाँ से लेकर पैर तक, कभी यहाँ तक कभी कपड़ा नहीं पहनते थे, पहनते थे ऐसे यहाँ इतना तक कपड़ा उनका पहनना था, इतने तक कपड़ा पहना करते थे। और ये ऐसे थे महापुरुष, ऐसे कोई चीज नहीं जो नहीं जानते थे। सर्व विद्या विशारद है, सारे विद्या में विशारद है। मतलब हमारे बंगला में कहते हैं जूता सिलाई से चंडी पाठ। चंडी पाठ मतलब होता है जो बड़े बड़े पंडित लोग होते हैं और सब श्लोक को द्वारा चंडी पाठ करते हैं। और जूता सिलाई जो मोची होता है, जो छोटे जाति के व्यक्ति जो रोड में बैठे कर मोची का काम करता है, सिलाई करता है, कहते वहां से लेकर के चंडी पाठ तक, मतलब सर्व विद्या में विशारद है। और ये जो खाना इतने सुंदर रसोई बनाना जानते थे, बड़े सुंदर रसोई बनाते थे, इनका हाथ बड़े दक्ष, बड़ा सुंदर रसोई। और जो खाना पीना है ना, चटर बटर होनी चाहिए उनको, कैसे तैसे खाना नहीं, नमक मिर्च तेल मसाला बढ़िया होनी चाहिए उनको, खाना बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए रसोई करने में बड़े एक्सपर्ट है, रसोई करने में। और जीवन में उनका एक साइकिल था, साइकिल में बैठे करके वो स्वयं जाते थे और जा करके स्वयं भिक्षा करते थे और भिक्षा को लेकर के आते थे और उसको द्वारा अपना सेवा करते थे। और इनको पास में कोई सेवक टिकना बड़ा कठिन है, क्योंकि जैसे वो एकदम सीधा साधा रूप में रहते थे, जैसे सीधा साधा रूप में रहते थे, भजन करते थे, वो भी चाहते थे मेरे पास में जो आए वो भी मेरे जैसे ही रहे। मतलब महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया है, चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिया, सीधा साधा खाना, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले ना, भालना खाई वो और भालना पड़ी वो ब्रजेरा ग्राम्य वार्ता ना कही वो, ग्राम्य वार्ता ना सुनी वो, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करी वो। ये महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से प्रश्न की, बोले प्रभु आपके मुखार बिंद से मैं डायरेक्ट कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ, तो महाप्रभु ने स्वयं कहते के बोले चार लाइन में पूरा जितने वेद वेदांत उपनिषद पुराण को उन्होंने केवल दो लाइन में उन्होंने सबको दे दिया। अगर केवल ये दो लाइन को हम अपना जीवन में उतार ले तो बस इसी जीवन में हम भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये साक्षात महाप्रभु की मुखार बिंद से ये वाणी, महाप्रभु का मुंह से ये वाणी निकला है। बोले क्या वाणी है, बोले ग्राम्य वार्ता ना बोली वे, ग्राम्य वार्ता ना सुन वे। मतलब है भगवत कथा छोड़ करके ये जो दुनियादारी की बात है, संसार की जो बात है, उसको बोलना भी नहीं और ये बात को कभी सुनना भी नहीं है? बोलना भी नहीं, कभी बात को सुनना नहीं। और क्या करना है, भालना खाई बार भालना पड़ी बार, मतलब बढ़िया बढ़िया चीज खाना भी नहीं है, बढ़िया बढ़िया, और बढ़िया बढ़िया पहनना भी नहीं। क्योंकि अगर हम बढ़िया बढ़िया अगर हम खाएंगे, फिर हमारा जो इंद्रिय का जो तेज है ना बढ़ेगा, फिर तो मन में तरह तरह का कामना वासना आएगी, फिर मन कहाँ जाएगा, फिर भोग विषय में ये मन, फिर गंदी गंदी चीजों में फिर ये मन जाएगी। क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे खाओगे मन तुम्हारी वैसे बनेगा। अगर बढ़िया बढ़िया खाएंगे तो मन हमारी गंदी चीज में, और बढ़िया बढ़िया अगर पहनेंगे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, जो रास्ता में चलेंगे फिर देखेंगे मेरे तरफ में कोई देख रहा नहीं, आज हम इतने बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ा पहना, कोई मेरे तरफ में देख रहा कि नहीं कोई है। फिर बढ़िया कपड़ा पहन करके फिर शीशा को सामने खड़े होकर के हम कैसे लग रहे हैं, आज हम कैसे फिट फाट लग रहे हैं कि नहीं। फिर इसमें क्या होगा, जो मन है फिर ये भगवत चिंतन में नहीं जा करके ये मन फिर विषय विषय में, ये मन ये विषय में फिर ये मन जाएगा, फिर ये मन को हम भजन में लगा नहीं सकते हैं। और ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिवा,
कभी ये लोग तो थे उस समय त्यागी है ना, उनके पास में त्यागी कोई मठ मंदिर नहीं, पेड़ को नीचे रहने वाले, इसलिए इनके लिए बताए ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस निवा। मानस में ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करना वो तो मानस करवा, लेकिन हमारे लिए जो गृहस्थ व्यक्ति है उनके लिए मानस के रूप नहीं, उनका डायरेक्ट होनी चाहिए। उनके लिए डायरेक्ट रूप में अपना घर में सुंदर, अपना घर में सुंदर ठाकुर जी की विग्रह हो हैं? और घर में इधर आ जा, इसलिए घर में सुंदर ठाकुर जी की विग्रह हो, बड़े सुंदर ठाकुर जी का सिंहासन हो, ठाकुर जी का सेवा पूजा हो ठाकुर जी की हैं? इसलिए उनके लिए तो मानस की बात बताई, लेकिन हम लोगों के लिए अभी हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव होने का नाते हम मानस की सेवा अभी हम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अभी हम लोगों को डायरेक्ट ठाकुर जी की जो सेवा पूजा हमें, ये डायरेक्ट ठाकुर जी की सेवा पूजा हमें करनी चाहिए हैं? इसलिए कहते जो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज है, महाप्रभु ने उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को जो शिक्षा दी है, अगर हम इसका अंदर में देखते थे ये त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को जीवन में ये सारी चीज, त्रिविक्रम महाराज का जीवन में सबके सब चीज दिखता था, एकदम सिंपल रूप में रहना, कोई ठाड़ वाड़ नहीं। इनको इनको गुरुदेव ने बताया था तुम आचार्य बनोगे, जब उनको उन्होंने तीन चीज को चुना था, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी, नारायण गोस्वामी। इनको पूछे बोले आचार्य बनना चाहोगे, बोले एकदम नहीं, जिंदगी में काम कभी नहीं करूंगा, उन्होंने मना कर दिया, कहते जिंदगी में ये काम मैं कभी नहीं करूंगा। इसलिए जो कोई लोग आते थे और हमारे जो भक्ति वेदांत श्री नारायण महाराज के साथ में इनकी बहुत मित्रता थी, बहुत ज्यादा ही मित्रता इनके अंदर में थी है। इसलिए ये दोनों कभी कभी हमारे जो महाराज थे ना, ये लेते थे राधा जी की पक्ष और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज लेते थे कृष्ण का पक्ष। वो कृष्ण को परतत्व बोल करके बदती तत्व विदस तत्व ज्ञान अध्ययम बोलकर जो अद्वैत ज्ञान परतत्व कृष्ण है उनसे सब दुनिया आते थे, और हमारे जो महाराज राधा रानी के पक्ष लेते थे वो थोड़ी सी उनको उसका देते थे। फिर तो हमारी महाराज जी राधा जी की महिमा, राधा जी की महिमा, राधा जी की महिमा, इतनी राधा जी की महिमा को गाते थे, फिर गाने लग जाते थे हैं। वो जानबूझ कर ये काम करते थे। और ये दोनों के अंदर में आप लोग नवद्वीप परिक्रमा में गए ना, नवद्वीप परिक्रमा में गए, और जो समुद्र गढ़ है ना जो समुद्र गढ़ है वहां पर इनकी बड़े जोर जबरदस्त लीला होता था। वहां पर दो पार्टी बनता था, हमारे भक्त बंधु नारायण गोस्वामी महाराज वो लेते थे समुद्र सेन का पक्ष, और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज देखने में लंबे चौड़े मोटे थे, ये लेते थे भीम का पक्ष, समुद्र सेन का पक्ष। आप लोग तो देखे नहीं, हम लोग देखा है जब त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उन्होंने भीम की पक्षों का स्थापन करते थे, सबको लगता था भीम सबसे बड़े हैं, भक्ति में यही सबसे बड़े। लेकिन हमारे महाराज जी उनका सारे बात को खंडन करके जब समुद्र सेन का बात बोलते थे, इनकी महिमा लगता था नहीं सबसे बड़े श्री समुद्र सेन है, ऐसे लगता था दोनों में। और दोनों में ना तर्क वितर्क होते 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 लास्ट में कोई किसको परास्त नहीं कर पाते थे हाँ? कोई किसको परास्त नहीं कर पाते थे। फिर तो सबके सब निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल करके सबके सब फिर बीच में उठ जाते थे हाँ? मतलब ये, और ये जो वेदांत है कहते ये वेदांत में बड़े पारदर्शी थे हाँ? इसलिए कोई भी त्रिविक्रम महाराज कोई कथा बोलते थे वेदांत को सूत्र को लेकर उठा कर बोलते थे, अथात ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जो नित्यात अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात जन्मादस्य जतः। मतलब जो वेदांत है छोटा शब्द है तो छोटा शब्द, लेकिन उसके अंदर में बड़ी बड़ी व्याख्या उसके अंदर में होता था, बड़ी बड़ी व्याख्या। इसलिए बड़े ये वैदांतिक थे, इनकी जो हरि कथा है ना बड़ी वैदांतिक युक्त हरि कथा। इसलिए ये तीनों जब बैठते थे हमारे जो तीनों महाराज, आप सोच नहीं सकते वो सभा की कितने शोभा होता था हाँ? एक 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 विषय को लेकर के
तीनों अद्भुत सभा होती थी, इतने सुंदर विचार को बोलते थे, ये तीनों हैं। इसलिए आज श्री, इसलिए इनका नाम त्रिविक्रम। त्रिविक्रम कब होता है? जब वामन देव ने है? एक प्यार को उन्होंने भूर भूव मोह जन तप सत्य लोग को बुलाए, दूसरे चरण में अतल बीतल तलातल पाताल लोगों को ले लिया है, और तीसरे चरण रखने के लिए किस स्थान, इसलिए उनका नाम त्रिविक्रम। पूरा अपना वैभव को ऐसे भगवान ने बढ़ाया, सारा दुनिया कवर कर लिया, ये त्रिविक्रम। इसलिए इनका नाम है त्रिविक्रम है, इनका स्वरूप त्रिविक्रम स्वरूप है। इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि है, आज इनकी तिरुभाव तिथि है। इसलिए महाराज जी हम सबको पर में कृपा करें, महाराज सबको पर में कृपा करें। उनका जो भजन है, उनका जो दीनता है, उनका दीन हीन भजन का परिपाटी है, जैसे जीवन में हम उतार पाए तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। और आज हमारे भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज का भी आज तिरुभाव है, आज का दिन इन्होंने भी इस संसार से, संसार को त्याग दिए है। इनकी जीवन हम लोगों ने सवेरे हम लोगों ने श्रवण किया है, कहते ये महापुरुष जिस देश से आए हैं, कहाँ से आए, बोले पूर्व बंगाल से, पूर्व बंगाल से ये इनका जन्म पूर्व बंगाल में हुआ है। कौन सा स्थान में हुआ है, ये महापुरुष कहाँ पर जन्म हुए है, कहते आप लोग पहले हम सुनाया था, जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ये दुनिया छोड़कर गए तो उन्होंने पद्मा नदी को पास में अपना प्रेम को रख कर गए, बोले पद्मा तेरे पास में मैं अपना प्रेम को छोड़ करके जा रहा हूँ, भविष्य में एक बहुत बड़ा महापुरुष आएगा, वो प्रेम में मैं जो रख करके जा रहा हूँ ये प्रेम तो उन्हें दे देना। तो उन्होंने पूछे वो महापुरुष कौन है, बोले उसका नाम है श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनको ये प्रेम दे देना। तो वो पद्मा नदी फिर प्रश्न करती है, बोले हमें पता कैसे चलेगा ये वही महापुरुष है, बोले देखो वो इतने बड़े महापुरुष है, इतने बड़े महापुरुष हैं कि जब उसका केवल चरण तुम्हारी पानी में स्पर्श हो जाएगा ना, अपने आप तुम्हारी हृदय प्रेम में उफरने लग जाएगा, अपने आप उफरने लग जाएगी, फिर तुमको पता चलेगा यही वही महापुरुष यही है, यही यही महापुरुष है। इसलिए जब वो पानी उफरते समय हवा बहते हुए आई, वो हवा जिस तरफ में चली गई, केवल वो हवा जिस तरफ में चली गई, जितने प्रभुपाद के अक्षर करके जितने गण हैं वो उसी तरफ से आए सारे को सारे। इसका मतलब है महाप्रभु का जो प्रेम की जो हवा है ना, इनके शरीर में वो हवा लगा हुआ है, इसलिए इन लोगों के अंदर में इतने भक्ति प्रेम, इनका अंदर में इतने भावना, इसलिए वो चुके को हवा उनके शरीर में ये हवा लगा हुआ था, इसलिए इसका इतना महिमा पूर्व बंगाल में है। इसलिए कहते ये जो महापुरुष है, जैसे हम लोग बड़े होकर के भजन कर रहे हैं, पता नहीं कितने उम्र में हम आए, किसी ने 20, कोई 50, कोई 40 है, कहते इसी उम्र में हम सबके सब आए भजन में उम्र में, कहते ये ऐसे एक महापुरुष हुए जो माँ की पेट में रहते समय इन्होंने भजन कर रहे हैं, माँ की पेट में रहते समय इन्होंने भजन किया। बोले कैसे, बोले इनके जो पिता माता है ये प्रभुपाद के चरण आश्रय लिए हुए, प्रभुपाद का चरण आश्रय किया उनके पिता माता, इसलिए जैसे पिता माता को पेट में आता है बच्चा, कभी जब गर्भ में जब ये रहे, गर्भ में रहते समय भजन किया, कैसे जैसे माता जैसे खाती है, क्या खाती है, प्रसाद खाती है, जब माता जी प्रसाद खाती है वो पेट में बच्चा पल रहा है, फिर बच्चा क्या खा रहा है, बच्चा क्या खा रहा है, बच्चा भी प्रसाद खाता है, क्योंकि भैया खा रहे हैं प्रसाद, वही प्रसाद जा रहे हैं पेट में, इसलिए बच्चे को क्या मिल रहा है, प्रसाद। जैसे मैया तुलसी परिक्रमा कर रही है, बेटा पेट में तब वो बच्चा क्या कर रहा है, वो भी तुलसी परिक्रमा कर रहा है, जैसे मैया हरि नाम कर रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कहते तो बच्चा पेट में पर हरिनाम कर रहा है, बच्चा भी हरिनाम कर रहा है, हैं? मैया जैसे प्रणाम करती है ठाकुर जी को, बच्चा पेट में तो प्रणाम कौन कर रहा है? बच्चा भी प्रणाम कर रहा है। बच्चा मैया मंदिर की परिक्रमा लगा रही है, हैं? परिक्रमा लगा रही है तो बच्चा पेट में तो परिक्रमा कौन लगा रहा है? वो बच्चा भी, वो भी परिक्रमा लगा रहे हैं बच्चा। इसलिए ये ऐसे के महापुरुष हुए जो माँ की पेट में रहते समय से भजन कर रहे हैं, उसी समय से संस्कार बन रहा है। इसलिए हमारे भक्तमन ठाकुर कहते हैं कि त जन्म हौ प्रभु जथा दुआ दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। बोले प्रभु अगर कीड़े मकोड़े अगर कोई बने ना, लेकिन तेरे दास जैसे बनकर तेरे घर में जैसे बने। इसलिए भक्ति मनो ठाकुर कहते हैं है? प्रभु अगर मैं कुत्ता बनू तो किसको घर में? भक्तो घर में कुत्ता बनू। कहते भक्त घर में कुत्ते बने। बोले क्यों? पहले तो ठाकुर को भोग लगेगा, ठाकुर प्रसाद भाई, फिर वो प्रसाद गुरु वर्ग को लगेगा, फिर वो प्रसाद भक्त भाई, फिर लास्ट में पतलक फेंक देते हैं उसमें उचिष्ट, फिर कितना कितना जो खाएगा कृष्ण का प्रसाद, उनका भक्तों का प्रसाद, भक्त का प्रसाद, और लास्ट में जो भक्त खा करके पत्थर जूठा फेंक दिया वो कुत्ता खा रहा है। किसका प्रसाद खा रही है? ये सबका प्रसाद ही कुत्ता खा रहा है। इसलिए भक्त मनो ठाकुर कहते हैं यदि हैतम कुकुर एंठो दिया तराय तो वैष्णव ठाकुर। अगर हम कुत्ते अगर वैष्णव घर में कुत्ते बन जाए ना तो उसमें भी उधार, सबका प्रसाद कुत्ते को मिलता है। मतलब कुत्ता बनना भक्तों को घर में कितने सौभाग्य की बात, अगर हम कुत्ता बन जाए है। इसलिए ये बामन गोसाई महाराज गर्भ से ही ये भगवत भजन ये गर्भ से ही किया है उन्होंने, है? फिर तो जन्म से ही हरि कथा हरि नाम सुने, पिता माता भजन करते भक्ति करते हैं। इसलिए बचपन से सब कुछ सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ ये सुन रहे हैं। इसलिए जब ये बड़े हुए आप लोगों ने श्रवण किया कैसे उन्होंने मंदिर में आए हैं, मंदिर में आकर के उन्होंने कैसे परिक्रमा में आए थे, पिता माता नवद्वीप परिक्रमा में आए, जो वापस जाना चाह रहे हैं, बोले इधर अपने घर में आ गया और कहीं जाने का जरूरत नहीं, अभी घर में आ गया है। कहते इनका जो जीवन है, कहते श्री नारद जी का जीवन जैसा है, देखो इनके जीवन में बहुत शिक्षा उन्होंने दिया। कहते उसी समय मंदिर में और भी दो चार बच्चे कोई थे, लेकिन अक्सर करके अगर जो सीनियर जो वैष्णव लोग थे ना वो अक्सर करके इनको ही बुलाया करते थे, इनको बोलते थे। बोले इनको क्यों बोलते थे? बोले कारण है इनको बोलने का, ये कोई अगर सेवा के लिए उनको बोलते थे वो बड़े आदर पूर्वक बड़े आनंद पूर्वक जाते थे, हैं? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नाचिते नाचिते निकट जाइब जखन डाकिबे तुमी। मतलब जब वैष्णव लोग हमें बुलाएंगे किसी सेवा के लिए दुखी नहीं हो जाएंगे? कोई कोई बोलते ना जो क्या काम पड़े हमें बुलाते हो और कोई मिलता नहीं बैठ में, कोई बोलते ना बैठ में और कोई नहीं मिलता है, जो कोई काम हो के मेरे को बुलाते। लेकिन भक्ति मनो ठाकुर कहते नहीं प्रभु अब ऐसे कब दिन आएगा जब कोई वैष्णव लोग हमें बुलाएंगे हम नाचते नाचते निकट जाएंगे, नाच नाच करके निकट जाएंगे। हमारे कितने सौभाग्य है जो वैष्णव लोग हमें बुला रहे हैं, वैष्णव लोग हमें सेवा के लिए बुला रहे, अहो भाग्य है ठाकुर जी को सेवा के लिए बुला रहे। दुखी होने नहीं चाहिए, सुखी होनी चाहिए, है ना? इसलिए मठ का जितना सेवा है मठ का ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए, काम चोर नहीं बननी चाहिए। काम चोर बनने पर गड़बड़ी है, हमें काम चोर नहीं बननी चाहिए। तो महाराज जी को अच्छे उदाहरण दे रहे थे, जैसे आप रास्ता में जा रहे हैं वहां पर देखा बहुत सारे रुपया पैसा पड़ा हुआ है, और हम क्या करेंगे जिसका कोई मालिक नहीं, बहुत सारे रुपया पैसा पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे बताओ? जितना हो सकता है उसको उठाएंगे और थाली में भरेंगे, हैं? जितना हो सकता, क्यों? जिसका कोई मालिक नहीं और रास्ता में पड़ा हुआ है जितना हो सकता है उसका हम अपना थाली में भरते रहेंगे। तो वो उदाहरण दे रहे थे, वो उदाहरण ये बात को दे रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे।
प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद ये गौड़िया गौड़िया मठ नहीं, कहती ये गौड़िया मठ क्या है, बोले गोलोक वृंदावन का निकुंज मंदिर है। मैंने गोलोक वृंदावन से ये निकुंज को मैंने यहाँ पर उतार दिया, ये गौड़िया मठ नहीं राधा रानी के निकुंज मंदिर है। कहते गोलोक वृंदावन में ये जो सखी और जो मंजरिया है, सखी और जो मंजरिया अगर उनको कोई एक सेवा मिल जाए ना, अपना जीवन का धन्यवाद दिया हो भाग्य है। अगर किसको केवल फूल चयन करने की सेवा मिल जाए, नहीं तो किसको थोड़ी सी फूल की माला बनाने की सेवा मिल जाए, बोले हमारा कितने सौभाग्य। अगर किसको मंदिर साफ करने का सेवा मिल जाए, वो अपना जीवन को धन्य मानती है, अहो भाग्य है। हमें राधा जी की है उनकी गले में की फूल तोड़ने के लिए ये सेवा मिल गई, हमें माला बनने की सेवा मिल गई। वहाँ पर सहज में सेवा नहीं मिलती है, वहाँ पर सहज में वहाँ सेवा नहीं मिलती है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग कहते हैं यहाँ पर ये प्रैक्टिस जो स्थान है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, जो जितने अच्छे तरह से यहाँ ट्रेनिंग लेगा ना, बस नौकरी उनको बढ़िया नौकरी वहाँ पर मिलेगा है। इसलिए ये बाबर गोस्वामी महाराज ये बोलते थे, मंदिर में सेवा है जितने हो तो लूट लो, जितने हो सकता है सेवा को लूट लो है। इसलिए कहते इन्होंने सब वैष्णव की उन्होंने सेवा किया, सारे वैष्णव को, जैसे केवल इनकी हरिनाम हुई थी, पहले बहुत नियम था, बड़े कड़क नियम था। पहले ये नियम था, जब तक तुम्हारी दीक्षा मंत्र नहीं होगी, उपनयन संस्कार नहीं होगा, वो रसोई घर में नहीं घुस सकता है। उपनयन संस्कार जब तक ब्राह्मण दीक्षा उसको नहीं मिलेगा, वो रसोई घर में नहीं घुस सकता है, हैं? और वो परिवेषण भी नहीं कर सकता है। मंदिर में नियम है, वो व्यक्ति परिवेषण भी नहीं कर सकता है, उसको खाना जो दीक्षित जो वैष्णव है उसको हाथ का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उसका जन्म संस्कार उसका नहीं हुई, उसका हाथ का खाना भी मंदिर में कोई नहीं खाते हैं, उसका जन्म संस्कार नहीं हुई है। ये पहले ये सब नियम था, सारे ये पहले सब नियम था, इसलिए पहले बड़े कड़क नियम था। अब इनका केवल हरिनाम हुई थी होने के नाते ये क्या सेवा करते थे, वैष्णव लोग खाने से पहले उनको आसन को बिछा देना, पहले जो खाना खाते केले के पत्ते में, केले के पत्ते को काट करके लाना और उसको बिछाना और उसमें नमक देना, नींबू और लंका जो मिर्च है, ये बंगाली लोग खाते हैं मिर्च, नींबू और उसमें मिर्च है लवण, उसको देते थे। इसलिए कह देते थे जब वैष्णव लोग खा करके चले जाते थे, उसको सारे पत्तलों को उठाना है, सारे पत्तलों को उठाना इनका सेवा था, और जगह को साफ करना, वैष्णव लोगों का जगह साफ करना। देखो ये जो सेवा है ना, ये लगता है अरे क्या इनका आसन उठाएंगे साफ करेंगे। नारद जी कहते हैं मेरे को जो भगवत प्राप्ति हुई है केवल इसी सेवा से। साधारण सारे वैष्णव लोग प्रसाद पाए, देखो सारे वैष्णव लोग प्रसाद पाए, उसको बाद में क्या है, वो वैष्णव का झूठा जगह को साफ करना ये साधारण बात नहीं, कितनी बड़ी संस्कार है, कितने बड़ी संस्कार है ये सब चीज है। और जो रसोई बनाना ठाकुर जी के लिए ये साधारण काम नहीं है। मेरे गुरु जी कहते थे अगर किसको आसान रूप में संतुष्ट करना, ये रसोई जैसी सेवा दुनिया में कुछ नहीं है। रसोई जैसे दुनिया में, मैंने मंदिर में जो पहले था सोचता था अरे रसोई तो औरत का काम है, हमारे भारत में रसोई कौन करते, स्त्रियां करते, पुरुष लोग तो कभी रसोई करते ही, औरत का काम है, ये को रसोई कौन करता है हम। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे देखो ये जो रसोई है ना, ये ऐसे एक सेवा है जो जिसको द्वारा तुम सबको खुश कर सकते हो। इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक संन्यास दिया, वो इतने लिखे पढ़े नहीं सन्यास दिया, बोले क्यों, इतने अच्छा उसने खाना बनाता था, इतने सुंदर वो रसोई बनाया करते थे, केवल इसी चीज में संतुष्ट होकर उन्होंने उनको सन्यास दे दिया। बोले तुम कितने सुंदर ठाकुर जी को, पहले ठाकुर खाते हैं है? फिर उसको बाद में फिर उसको वैष्णव लोग खाते हैं, वैष्णव लोग खुश हो गए, ठाकुर जी खुश हो, सब तक सेवा हो गया। हरि गुरु वैष्णव है, हरि गुरु और वैष्णव, ये तीनों की सेवा हो गया बस। किसको दर रसोई, आप देखना जब आप खाना खाते हो
सब चीज हमारा आनंद है, लेकिन आप देखना खाने में एक अलग आनंद है। अगर बढ़िया कोई खाना बनाया ना, आप बढ़िया टेस्ट है, अंगुल हम चाट चाट कर खाते हैं, वाह कितने सुंदर प्रसाद बनाया, बहुत बड़ी। इसलिए बोले चरबत चुस ले जब पेय रसम आए, उसके बाद में प्रसाद अन्न कृष्ण अति स्वाद है, उसके बाद में इसलिए कहते जो हाँ जो ये जो चीज है हाँ खाने का, कितने बढ़िया चीज, बढ़िया अगर खाना आ रही है, रसगुल्ला, राबड़ी, रसमलाई, हाँ पनीर का सब्जी, सुप्पा, इसलिए ये सब चीज खाना बहुत बड़ी आनंद चीज है। इसलिए कहते बामन गोसाई महाराज क्या करते थे, सारे वैष्णव का सेवा करते थे, सारे वैष्णव का। और आप लोगों ने पहले था, पहले जो पायखाना साफ होता था, इन्होंने ही साफ किया करते थे, रात को लेकर के फेंकना, हाँ ये सब चीज को उन्होंने वैष्णव का घर घर को साफ करना वैष्णव का। इसलिए ये इस सारे सेवा ये करते थे। जब हम बोलते हैं ना गुरुदेव कृपा करो, वैष्णव ठाकुर कृपा करो, हम बोलते हैं ना कृपा करो कृपा करो, बोलने का जरूरत नहीं, कृपा करो कृपा करो, कृपा मतलब क्री मतलब करो, पा मतलब पाओगे। जब तक तुम सेवा नहीं करोगे तुम पाओगे कहाँ से। हम बोलते ना कृपा कर दो कृपा, बोलने का जरूरत नहीं। जो कृपा है ना ये हृदय से निकलती है, ये कृपा ये हृदय से, ये कृपा हृदय से निकलती है, ये कृपा बोलने का जरूरत नहीं। ऐसे सेवा करो ठाकुर जी की, गुरु वैष्णव का इतना सेवा करो जो कि इनकी हृदय से, ये हृदय से वो चीज निकले, हाँ उनका हृदय से ये चीज आए, वाह तुमने कितने सेवा की है, वाह। इसलिए उन्होंने श्री बामन गोसाई महाराज, इसलिए इनका नाम था सज्जन सेवक, इनका जो नाम दिया मंदिर में सज्जन सेवक, ये नाम क्यों दिया, ऐसे नहीं दे दिया प्रभुपाद ने, नाम दिया प्रभुपाद का दिया नाम, ऐसे प्रभुपाद नाम नहीं दे दिया। सज्जन सेवक का दो मतलब होता है, कहते जो सज्जनों का जो सेवा करे, सज्जन मतलब साधु, उनका जो सेवा करे ये सज्जन सेवक, और दूसरा मतलब होता है सेवकों में जो सर्वश्रेष्ठ है, सेवकों में जो सज्जन है, सेवकों में जो सर्वश्रेष्ठ, सज्जन में जो सर्वश्रेष्ठ सेवक है, इसलिए उनका नाम सज्जन सेवक है। इसलिए गुरुदेव कहते ना सेवक तीन तरह का है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, कहते ये तीन तरह का सेवक है। कहते उत्तम सेवक कौन है, बोले उत्तम सेवक उसे कहते हैं बोलने से पहले जो करते हैं, बोलने से पहले जो करते हैं उसको उत्तम सेवक कहते हैं। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, बोलने से उसको पहले करता करे है, लेकिन जो मन जान करके सेवा कर ले, उनका मन की भावना को जान करके, गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे पति बाहर जा रहा है, ठंडी का समय है, दूर जा रहा है पति, पत्नी कहती है आप इतने दूर जा रहे हो कम से कम साल तो लेकर के जाओ, ठंडा कहने, बोले कोई जरूरत नहीं जाऊंगा वापस आ जाए, बोले नहीं लेकर के जाओ रास्ता में ठंडा लगेगा तो क्या करोगे। पति मना करता है, लेकिन पत्नी क्या करती है, बड़ा सुंदर शाल को भाज करके उसको बैग में रख लेता है, बोले इतना दूर जाओगे खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं, कहाँ खाओगे, अरे बोले जाऊंगा तो आ जाऊंगा, बोले नहीं भूख लगेगा तो क्या करोगे। पत्नी नहीं चाहने पर भी पति पत्नी क्या करती, सुंदर टिफिन में खाना भर करके दे देती, बोले अब खाना लगा। पति मना कर रहा था लेकिन पत्नी जोर जबरदस्ती की, अब पति बताओ पति खुश होगा कि दुखी होगा, डबल खुश होगा, आपको ये अनुभूति होगा। इसलिए पति सोचेगा देखो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, मैं मना करने पर भी उसने जोर जबरदस्ती उसने देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी, खुश हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये उत्तम सेवक है जो कि मन को जान करके बोलने से पहले जो सेवा करता है, ये उत्तम सेवक होता है। कहते ये मध्यम सेवक कौन है, कहते ये मध्यम सेवक कौन है, वो तो जोर जबरदस्ती ये, और मध्यम सेवक उसे कहते हैं बोलने से पहले कर दे उसको मध्यम, बोले कनिष्ठ सेवक कौन है,
बोले आधे से देने पर जो सेवा करता है, आधे से देने पर जो सेवा करते हैं, इसलिए ये उत्तम सेवक है। इसलिए कहते हैं अधम सेवक कौन है? बोले से ब का गुरुदेव कहते थे से को हटा दो, रह जाए बक, मतलब बगुला। ये बगुला सेवक है, सेवक नहीं, ये बगुला सेवक। बगुला मतलब क्या है? अब बगुला को देखना, एक पैर में खड़ा रहता है और एक पैर नहीं लगता चाहिए तपस्या, लेकिन कब मछली आएगा, पास मछली आती छट पकड़ कर खा लेगा। लेकिन ऊपर से क्या दिखता है कि बड़ा साधु है, बड़ा तपस्या कर रहा है, लेकिन तपस्या नहीं वो खंड है। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया, इसलिए कहते ये इनका नाम क्या था? सज्जन सेवक है, मतलब सेवक में जो सज्जन है। इसलिए प्रभुपाद ने इसलिए इस सब नाम दिया उन्होंने। सब वैष्णव इनको बोलते थे बेटा सज्जन सेवक इधर आ जाओ, बेटा सज्जन सेवक इधर आ जाओ, सबके सब उनको बुला बुला कर इनको सेवा दिया करते थे, इसलिए इनका नाम सज्जन सेवक रखे। इसलिए उन्होंने पूरा संपूर्ण जीवन को दे करके मंदिर में उन्होंने सेवा की। उस समय भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट था वहां पर, वहां पर उनको भर्ती कर दी गई, उनको भर्ती कर दी गई, वहां पर वो पढ़ते थे। स्कूल था, बचपन में आ गए थे, 9 साल उम्र में आ गए थे, इसलिए उन्होंने भक्ति इंस्टीट्यूट में भर्ती कर दिया। जब भर्ती कर दिया, ये क्या करते थे, जो स्कूल जाते थे ना, जितना केवल स्कूल में पढ़ाई हुआ केवल उतना ही पढ़ते थे, लेकिन आ करके घर में कुछ नहीं पढ़ाई करते थे, घर में कुछ नहीं पढ़ाई करते, मंदिर में आकर क्या करते थे, दिन रात वैष्णव सेवा, केवल वैष्णव सेवा करते थे, हैं? और केवल पढ़ाई जब स्कूल जाते थे पढ़ते, लेकिन क्लास में फर्स्ट आते थे क्लास में, हैं? इसलिए इनके जीवन में आया है, जब उनको पता है ना, उनको जो उनका फाइनल जो होता है स्कूल का 11 साल का 10 क्लास के बाद में उनका जो फाइनल होता है, जिसमें सारे बोर्ड का परीक्षा होता है, इनको बोर्ड का परीक्षा हुई। जब बोर्ड का परीक्षा हुई तब इन्होंने पूरा वहां के अंदर में सारे बच्चे फर्स्ट आए, एकदम फर्स्ट आए। जब फर्स्ट आए पहले प्रभुपाद के पास में उसका ये आया, क्या बोलते हैं, मार्कशीट आया। प्रभुपाद देखकर बड़े खुश हो, इतने मंदिर में सेवा करता है बेटा, है? और देखो क्लास पूरा ऊपर ये फर्स्ट आए। प्रभुपाद ने सज्जन सेवक को बोला, बोले सज्जन सेवक इधर आ, बोले गुरुदेव क्या, बोले तुमने जो बोर्ड का परीक्षा दिया ना, तुम फेल हो गया, तुम फेल हो गए हो। तब वो देखो क्या कहता है, बोले गुरुदेव मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले जब मैं सारा जीवन आपका सेवा कर रहा हूँ, सारे वैष्णव का सेवा करता हूँ, जो सारे वैष्णव का सेवा कर वो कहीं फेल हो सकता है? वो कोई फेल हो ही नहीं सकता, वो तो पास करेगा ही, क्योंकि सेवा करता है वैष्णव का। प्रभुपाद बड़े खुश हो गए, बोले पूरा जो बोर्ड परीक्षा में तुम फर्स्ट आए पूरा बोर्ड परीक्षा में, वैसे इंटेलिजेंट। उन्होंने संस्कृत भी पढ़े, उन्होंने संस्कृत भी पढ़े, और जो मटर सोटी होता है ना, उन्हें छिलका उतार उतार करके प्रभुपाद को देते थे, प्रभुपाद खाते थे। उन्होंने बच्चे थे ना बचपन में, इसको छिलका उतार उतार कर प्रभुपाद को देते थे, प्रभुपाद खाते थे, हैं? प्रभुपाद खाते थे। इसलिए इन्होंने उनको समय में और भी बहुत सारे लड़के थे जो भक्ति मनोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन ये कोई भी एक भी कोई मंदिर में नहीं रुकते। जब बड़े हुए सबके सब शादी कर गए, तब ये बोलते थे कि ऐसे क्यों हुआ, मैं अकेला कैसे रह गया, और ये सबके सब संसार से क्यों चले गए। हाँ, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, मतलब मैंने स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाता था, लेकिन पढ़ाई को मैंने मुख्य नहीं रखा, पढ़ाई को केवल एक गौण रूप में रखा, मुख्य रूप में गुरु वैष्णव का सेवा और भजन को मैंने मुख्य रखा। उन्होंने देखा हम मंदिर में क्यों आए, घर बार छोड़ करके मंदिर में आए क्यों, हम पढ़ाई लेने के लिए नहीं आए, हम भक्ति करने के लिए आए या भजन करने के लिए आए। इसलिए अपना संख्या प्रभु का नाम गान ठाकुर का सेवा पूजा वैष्णव का, इसको उन्होंने एकदम मुख्य रूप में ये चीज को उन्होंने रखा। इसलिए वो कहते थे मैंने सारा जीवन गुरु वैष्णव का सेवा में ये शरीर को रगड़ करके हमने लगा दी, इसलिए केवल इसलिए मैं अकेला रुक गया और सबके सब। इसलिए जो व्यक्ति
संपूर्ण अपना जीवन को गुरु वैष्णव का सेवा में संपूर्ण जो लगा देते हैं, पास एक दिन तो पास हो ही जाएंगे। इसलिए जगत में एक दिन इतने बड़े आचार्य बने और जगत में इतने बड़े साधु बने और पूरा ये गौड़ीय वेदांत समिति की संभाल उन्होंने, इसलिए इतने भजन परायण हुए। इसलिए हर समय ये जो हरिनाम करते थे ना प्रभु जी, हरिनाम करते थे इनका जो अंगुल अंतिम समय में ना, उनका जो हरिनाम करते करते इनका जो अंगुल पूरा ऐसे, और वो बोलते थे रोना सीखो, और हरिनाम का प्रति बहुत जोर देते थे। हरिनाम का प्रति हरिनाम करो, विश्वास पूर्वक हरिनाम करो, वैष्णव सेवा करो, इसको बहुत ही जोर देते थे, हैं बहुत जोर देते थे। जब ये हरिनाम की माला देते थे ना, देखो कम से कम 16 माला करने का, मैं जब वो हरिनाम देते थे मैं कभी कभी उनके पास में खड़ा होकर देखता था महाराज क्या बोलते थे। बोलते देखो कम से कम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बोलते थे जब हरि नाम देते थे, बोले कम से कम तो 16 माला हरि नाम तुम क्या करो, कहते 16 माला क्यों करें। तब वो बोलते थे देखो भगवान की प्रति तुम्हारी प्रेम है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण भगवान को प्रेम करते हैं इसका प्रमाण क्या है। उसका प्रमाण है जब उनको नाम में रुचि हो। वो बोलते जब तुम्हारे नाम में रुचि हो तब ये प्रमाण, तुम्हारे नाम में रुचि होनी चाहिए। हैं जैसे देखना जिस चीज को आप प्रेम करते हो उसमें संपूर्ण एनर्जी दे देते हो, जिस चीज में तुम प्रेम जगत में सारी एनर्जी वहीं पर लगा देते हो, बोलते थे उसी तरह तुम भगवान को प्रेम करते हो, उसमें प्रमाण क्या है। तो उन्हीं के लिए तुम समय भी उनके लिए दोगे, समय भी उनके लिए दोगे। इसलिए पहले बोलते थे 16 माला तो करने का तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना उसको धीरे धीरे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे। और बोलते थे 1,00,000 तक लक्ष्य रखना, जैसे हम दिन में 1,00,000 हरिनाम कर सके। लेकिन शुरू करना कहाँ से, कितने से शुरू करना, 16 माला से। वो इसे बोलते थे करते हुए धीरे 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 बढ़ने के लिए धीरे धीरे कोशिश करना। इसलिए कभी कभी हम माला को देखना, जब हम माला जब करते ना किस 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 देखा, जैसे ऐसे माला रख दिया, रख करके बांध दिया हाथ में, इसे ऐसे ऐसे चल रहे हरे कृष्ण। इसलिए कभी कभी ना ऐसे ऐसे माला नहीं, वो बोलते थे जो माला है ये साक्षात भगवान है, ये माला नहीं, माला रूप में साक्षात भगवान है। जो भगवान है कभी ये हमारे हृदय की संपत्ति है, इससे बड़ा संपत्ति दुनिया में कुछ नहीं। नाम चिंता मणि, नाम को चिंता मणि बताया, साक्षात भगवान है। वो कहते थे कभी जो माला है ना, इसलिए अब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते ना महाराज जो मंदिर में बनाया माला कहाँ पर रखी, हृदय, यह हमारे हृदय की धन है, यह हमारे हृदय की संपत्ति है। इसलिए कभी भी ऐसे करते करता हरे कृष्ण नहीं, ये इसमें ध्यान नहीं रहता है। इसलिए नियम है ये माला कभी भी यहाँ से ना कभी नीचे कभी नहीं उतरनी चाहिए, कभी ये नीचे नहीं उतरनी चाहिए। हर समय इसको हृदय में रख करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये नाम का ऊपर में बहुत जोर देते थे, हरि नाम के ऊपर में है, और बोलते थे 1,00,000 तक हरि नाम करना। और हरि नाम कैसे करना, बोलते रो रो करके, बोले जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ कभी उसको दूध नहीं पिलाती, उसको रोना देख करके फिर माँ उसको तब भी मैया दूध पिलाएगी जब उसको रोएगा, है रोने से पहले कभी उसको दूध नहीं पिलाएगी। वो बोलते थे रोना सीखो, है जब तक रोना नहीं सीखोगे तब तो कल्याण नहीं होगा, इसलिए रो रो कर हरि नाम करो, है रो रो कर हरि नाम करनी चाहिए। इसलिए रोना हृदय से सीखे, इसलिए रोना सीखो। और विशेष करके बोलते थे दो कीर्तन को रोज करने के लिए कहते थे, देखो ये दो कीर्तन को कहते, दो कीर्तन किया है, एक कीर्तन है हमार जीवन
सदा पापे रत नाही का पुण्य रले परे रे उद्वेग दिया छे जे कत दिया छे जी बेरे क्ले। हाँ, ये कीर्तन बोलते थे क्योंकि हमारा वो बोलते थे हमारे हृदय में हमारा जीवन कैसे पाप में हर समय भरा पड़ा हुआ है, केवल दूसरों को कष्ट दिया है, दूसरों को सुख में दुखी होते हैं, दुख में सुखी होते हैं, हैं? जो हमारे हृदय को ना उन्होंने उघार कर रख दिया उन्होंने कीर्तन के माध्यम में। और दूसरे जो कीर्तन बोलते थे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, एक कीर्तन देखो ये कीर्तन रोज करनी चाहिए। अब गोपीनाथ मम निवेदन सुनो जो कीर्तन है कितना गोपीनाथ मम निवेदन सुन अमी बिसई दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर। अब वो कीर्तन कर देखो हैं गोपीनाथ आमी तो कामेर दास प्रबल इंद्रिय बसी भूता मतलब हमारा हृदय में जो गंदी चीज है ना हमारा मन कैसे काम का प्रति भाग रहा है, संसार का प्रति भाग रहा है, हृदय में कितने गंदी की बड़ी हुई। ठाकुर जी जब तक तुम कृपा नहीं करोगे ना हृदय से गंदी की चीज हट ही नहीं सकते। इसलिए जो गोपीनाथ जो मम निवेदन सुन रहे जो कीर्तन सबसे बेस्ट कीर्तन है वो कहते थे ये कीर्तन को रोज करो, दो कीर्तन रोज करना चाहिए है? पर दो कीर्तन को रोज ये दो कीर्तन करो, करने पर भगवान से प्रार्थना करें क्योंकि हम अपने जो काम क्रोध लोभ काम अपने आप नहीं त्याग दे सकते, ठाकुर जी का कृपा होने पर तभी ये चीज हम त्याग दे सकते हैं, अपने आप त्याग नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो कीर्तन में वो चीज बात बताया, इसलिए अगर रोज कोई कीर्तन करेगा ना ठाकुर जी से प्रार्थना करो अब देखना कभी आपका जीवन कभी दुर्गति भी नहीं जाएगी, भजन से कभी हटेगी नहीं मन, आपका तुम्हारा मन भजन में लगेगा। इसलिए बोलते दो कीर्तन जरूर हमें करने चाहिए, दो कीर्तन बड़ा महत्वपूर्ण कीर्तन है। ठीक है, इनका बहुत सारे जीवन है फिर हम वहां भी सुनेंगे। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंद दे हरि हरि बोल बोलो। Should we also reject food from those who have no diksha? Should we also reject food if someone who has no diksha? Jader dikha hoyni other hate khabe na ki jiggesh korte. This is the rule, you know. But when you buy something direct soap, you know, something, you know, ready-made food. Ready-made food. There are no consider there. Not cooked food. That's food. And cooking, you know, cooking thing, telling the cooking thing is the no good, you know. Bread is the okay, no problem. And something directly cooking thing, this is the no good. What about the devotees? More devotees, but no diction. But they are himself cooking and himself, you know, cooking and eating himself. As much possible you try to follow this rule. We cannot do Manasya Seva. Yeah, can do, but necessary also direct the Seva also. Manasya. No, your condition also, when doing direct, sometimes this thing are reverberating, you know, your completely, our senses, no control, so some difficulty. So Prabhupada, you know, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, every Grihastha house, you know, has established deity. Also temple also made Prabhupada there. No, this is the Kali Yuga, you know, this is the Kali Yuga. So
also temple or a deity also you are direct to seva. When you direct seva, then make sukruti, slowly make sukruti. মধ্যম আর উত্তমের পার্থক্যটা ঠিক বলতে পারিনি, ও বুঝতে পারিনি, সময় চলে গেছিল। আরে ওই গৌর প্রেমানন্দে প্রসাদ লো।